आप सब जानते हैं कि आज ही अर्ली मॉर्निंग जे ऑपरेशन जहां पर पुलिस सीआरपी आर्मी ने लॉन्च किया था, ऑपरेशन एकदम पजीर हुआ और उसमें दो आतंकी मारे गए जो काफ़ी लंबे टाइम से जहां पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल थे। दोनों जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़े हुए थे और दोनों की तरफ से 2 AK-47 राइफल और बाकी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो वहां से बरामद हुआ है। इस ऑपरेशन में हमारा एक सीआरपी का हवलदार काले सुनील शहीद हुआ, हम सब उसको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। ये ऑपरेशन अदरवाइज बहुत अच्छे से साफ सुथरा हुआ, किसी तरह का कोई कोलेटरल डैमेज आसपास घरों का किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो उसको छोड़ करके जितना के गोलीबारी के दौरान होता है उसके अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये बड़ी काबिले सुकून बात है कि ये साउथ कश्मीर का एरिया जो पिछले कुछ सालों में आतंक का गढ़ बन गया था और पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रही एजेंसियों ने आतंक का अड्डा इसको बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आज फिर से ये इलाका धीरे धीरे करके आतंक मुक्त होने की तरफ बढ़ रहा है। शोपियां जिले की बात करें तो एक के बाद एक कामयाब ऑपरेशन इस साल में हुआ है। पुलवामा की बात करें तो कामयाब ऑपरेशन हो रहे हैं, अवंतीपुरा में ऐसे ही कामयाब ऑपरेशन चल रहे हैं और इसके साथ साथ कुलगाम और अनंतनाग में भी कामयाब ऑपरेशन टाइम टू टाइम इस पूरे 5.5-6 महीने के अरसे में हुए हैं। अभी तक दर्जनों ऑपरेशन कामयाब जो इस खत्ते में मुकम्मल हुए हैं और 108 आतंकी मारे गए हैं अभी तक कश्मीर के एरिया में और 11 जम्मू के एरिया में, 119 की तादाद पिछले 5.5-6 महीने के अंदर जो है वो आतंकियों के ख़त्म होने की हुई है। मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ कि नौजवान बच्चे जो अमन का रास्ता छोड़ करके पाकिस्तान नवाज फोर्सेज जो जहाँ पर काम कर रही हैं उनके इशारे पर वर्गलाए जाते हैं और मिलिटेंसी की तरफ धकेले जाते हैं, उनको तशद्दद का रास्ता तर्क करना चाहिए, अमन का रास्ता चुनना चाहिए, खुशहाली का रास्ता चुनना चाहिए और अपने माँ बाप की ढाल बन के माँ बाप के साथ खड़े होना चाहिए। हम लोग पिछले काफ़ी अरसे से हर ऑपरेशन में ये जतन करते हैं कि ऐसे गुमराहकुन जो लड़के हैं उनको मौका दिया जाए। कल श्रीनगर में ऑपरेशन हुआ था, वहाँ 2 घंटे के लिए ऑपरेशन रोक दिया गया इसी वजह से क्योंकि लड़कों का पता चलने लगा कि वो लोकल हैं। माँ बाप को बुलाया गया, लोकल जो मौजजीन हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया और कोशिश की गई कि वो लोग सरेंडर करें मगर उसमें कामयाबी नहीं मिली। हमारी ये बराबर कोशिश रहेगी अपनी साथी फोर्सेस के साथ मिल करके सीआरपी आर्मी के साथ कि जो भी तशद्दद का रास्ता तर्क करके अमन का रास्ता चुन के घर के दहलीज पे वापस पांव रखना चाहता है हम उसकी मदद करेंगे, उसके बाद भी उसकी हर तरह की मदद जो हम कर सकते हैं करेंगे। जिसको लोग पूजते हैं मानते हैं और जिसके कहने पे लोग घर बार छोड़ करके आतंकी बनते हैं वो जब नहीं रहता है तो उससे फ़र्क तो पड़ता है। रियाज नैकू के इशारों पर शायद सैकड़ों बच्चे आतंकी बने होंगे, सैकड़ों जानों को बर्बाद करने के लिए जिम्मेवार था अपनी जान को बर्बाद करने से पहले, आज भी उसी के चलाए हुए जो जहां पर रुझान है उनका असर अभी भी देखने को मिलता है। काफ़ी हद तक उसके मरने के बाद अगर आप मीडिया वाले इस बात को पहचानते हों तो रिक्रूटमेंट बंद हो गई है। आज देखिए नौजवान बच्चे मिलिटेंसी की तरफ नहीं जा रहे हैं, जो जा चुके हैं उनको भी हम वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस लौटें। पाकिस्तान ने एक शलावा तैयार किया जिसको TRF कहते हैं, टेरर रिवाइवल फ्रंट, कि फिर से टेरर को कश्मीर के नाम से जिंदा किया जाए। उस शलावे के अंदर ये सब बदनाम आउटफिट जो हैं लश्कर तौबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, उन सबको इसके बीच में घुसाया गया, नाम TRF मगर काम इन लोगों का, किसी की जान लें तो लश्कर,
किसी को मारे तो हिजबुल मुजाहिदीन, किसी का घर उजाड़े तो जैश ए मोहम्मद, मगर नाम लेने के लिए टीआरएफ। टीआरएफ कहाँ से चलती पता है? पाकिस्तान के कराची से चलती है। अपने आप को दिखाते हैं कि जहाँ का मिलिटेंट आउटफिट है, मगर ये एक सोशल मीडिया एंटिटी है जो पाकिस्तान के कराची शहर से पाकिस्तान की एजेंसियाँ चलाती हैं। लोलाब का इनकाउंटर अभी जो चल रहा है उसकी उसके बाद की इतला नहीं आई है। जंगल का एरिया है, लंबे टाइम ऐसे ऑपरेशन चलते हैं, और अभी जब इतला आएगी शाम तक जब उसके बाद कोई आती है तो उसको शेयर करेंगे। उनके पहले गांव वाले को बुलाएं, उनके फैमिली मेम्बर को बुलाएं, पूरा हम लोग मौका देंगे। देखिए प्रैक्टिकली होता क्या है, जब लोग हम लोग ऑपरेशन जारी करते हैं लोग पत्थर मारते हैं, तो हमारे फोर्स पैनिकली चाहते हैं जल्दी ऑपरेशन ख़त्म हो। अगर आवाम साथ दे पूरी प्रोफेशनल सेंस से काम करेंगे, पब्लिक भी बचाएंगे, घर भी बचाएंगे। तो इसका मतलब यही निकला कि आप पब्लिक साथ दे रही है? बिल्कुल दे रही है।